संपादक। आज हमारे साथ जुड़ी है खास प्रतिभा बागपत से, जिन्होंने यूपीएससी टॉप कर अपने माता पिता व जनपद का नाम रोशन किया है। और आज हम उनसे जानेंगे कि ये एग्जाम क्या होता है, किस तरह। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम आंचल चौहान है और मैं बागपत जनपद से ही हूँ। मेरा जन्म पाली गांव में हुआ था। उस 10 साल पहले हम लोग बागपत आए थे मेरी पढ़ाई की वजह से। और मेरा स्कूलिंग रहा है क्रिस्ट ज्योति कॉन्वेंट हाई स्कूल से 10th तक। उसके बाद मैंने डीपीए सोनभद्र से 12th किया और एमएडी यूनिवर्सिटी नोएडा से मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया 2016 में। और 2016 से ही मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तो जिस तरीके से आपने बताया कि मैं बीटेक किया है, और बीटेक के बाद में इस तरीके से सिविल लाइन में आने का आपका क्या पर्पस रहा है? जो आप एक इंजीनियरिंग रोड में आ रही थी, वहाँ से ही सफर कहाँ से कुछ किसी को सोच कर या कुछ ऐसे आपको क्या रहा? यूपीएससी मेरा काफ़ी पहले से ड्रीम रहा था, यूपीएससी क्रैक करने का तो बचपन से ही था। इंजीनियरिंग का मैंने लेट सोचा था, 12वीं के बाद जब मुझे मैं एक डिसीजन लेना चाह रही थी कि मुझे कोई प्रैक्टिकल डिग्री करनी चाहिए जहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल डिग्री के थ्रू मैं अगर फ्यूचर में अनप्रिडिक्टेबिलिटी कुछ रहती है तो फिर मैं वापस एक कॉरपोरेट जॉब में जा सकूँ। तो जॉब सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैंने बीटेक किया था। बाकी आईएएस का ड्रीम और बनना तो बचपन से ही था। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आपका ड्रीम था, सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं एक उद्देश्य, एक लक्ष्य हर किसी का होता है किसी भी कार्य को करने के लिए जी। तो आप कभी कुछ ऐसा जोड़ा होगा, आपने सिविल बहुत सारी लाइन और भी हैं, डीसी की और बहुत सारी लाइन की लाइन है, आप वहाँ भी कर सकते, लेकिन सिविल एग्जाम क्यों आपने चुना, किस पर्पज से? क्योंकि कोई भी आर्मी में जा रहा था उसका देश सेवा का एक उद्देश्य होता है, इसी तरीके से आपका क्या उद्देश्य? ये जो पोस्ट होती है जी, बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। इसके थ्रू आप बहुत सारा बदलाव समाज में ला सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो इम्पैक्ट हम कहते हैं, कुछ चेंज करना समाज में, वो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा था। और हम जानते ही हैं कि डीएम और जो भी होते हैं उनके हाथ में डिसीजन होता है, अथॉरिटी होती है और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज में। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि इस लाइन से जुड़ने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं समाज सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल, और समाज सेवा एक पकड़ के साथ में करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो यानी कि कहीं ना कहीं बदलाव के लिए आप ये बदलाव करने में, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, ये बताइए कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी कोई प्रेरणा आपको रही हो, कोई आपकी बैकग्राउंड में कोई ऐसा रहा हो कि भाई जो आप पहले से आईपीएस हो या इस लाइन में हो, कुछ ऐसा बैकग्राउंड? तो देखिए मेरा है नहीं, मेरे सारे रिलेटिव्स में भी कोई आईएएस आईपीएस नहीं है। लेकिन जब भी हम न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ जब आती है तो उसमें देखते हैं कि वहाँ के डीएम ने इतना बड़ा काम कर दिया, उन्होंने बहुत चेंजेस ला दिए, तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। और फिर हम भी सोचते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का काम करके नाम करना है। तो अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि कहीं ना कहीं आपको नाम, एक पहचान के लिए आप काम करना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया यूपीएससी एग्जाम में प्री और मेंस होते हैं, इसके बाद में अगर प्री मेंस होता है, इंटरव्यू वगैरह भी होता है, इसमें सुना है, तो इसके बाद में फिर अभी अब जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी और जब आपकी कोई ज्वाइनिंग होती है सबसे पहले किसी भी जहाँ भी होती है, तो आप सबसे पहला कार्य आपका क्या रहेगा? मेरा कार्य तो सबसे पहले यही रहेगा कि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उसका मेन कारण जो है वो एजुकेशन पे आके दिखता है, एजुकेशन सिस्टम पे। हालांकि हमारा अभी भी अच्छा है, हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन सुधार का स्कोप तो हर जगह होता है। तो मेरा है कि जब भी हम प्राइमरी लेवल से बच्चों को ट्रेन करते हैं तो उनको लाइफ स्किल्स देना बहुत ज़रूरी है। तो उनके पास वो लाइफ स्किल्स जो है, पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल्स देते रहें तो बड़ा चेंज आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो कहीं पे भी, जिस भी क्षेत्र में आपका जनपद में जहाँ भी आपकी जो पोस्टिंग होगी, और वहाँ कहीं ना कहीं आपको लगा कि शिक्षा का स्तर कमजोर है, वीक है, तो कहीं तो आप उसको कहीं ना कहीं मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। तो इसके लिए आपका कोई प्लानिंग होगी, कुछ आपकी कोई तैयारी है कुछ जो आप बताना चाहते हैं कि भाई अगर एक पॉइंट आपसे इसमें जाना चाहते हैं शिक्षा के सुधार के लिए, क्योंकि सबकी एक प्लानिंग होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कोई प्लानिंग होगी, मुझे ये करना है जब मैं पोस्ट मिलेगी। तो मैं ये
सुनिश्चित करूंगी जहाँ पे भी मैं पोस्टेड रहूंगी कि जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, और मैं ये अपील भी करूंगी वहाँ के जो जो भी बड़े लोग होंगे, जो स्कूल्स के हम लोग समाज के लोग हैं, हाँ समाज के लोग हैं, कि एक तो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए वहाँ पे, बहुत अच्छी होती है। हाँ तो लड़कियों के लिए तो हमेशा सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे न्यूज़पेपर कंपलसरी कर देना चाहिए, एटलीस्ट 7th-8th स्टैंडर्ड से शुरू कर देना चाहिए, बच्चे थोड़े अवेयर रहें कि चल क्या रहा है आसपास, तो वो अवेयरनेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो वो मैं चाहूंगी। उसके बाद कुछ कुछ एक दो चीजें हैं, जैसे बच्चों को थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी जाना चाहिए और योगा मेडिटेशन जैसी चीजें भी वहाँ पे आए, और कहीं ना कहीं जो समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं। हाँ, योग आपने बताया, पहले भी आपने बताया कि समाज के और लोग हैं उन लोगों से जोड़ने का काम करेंगे, बच्चों में जागरूकता के लिए न्यूज पेपर्स वगैरह, तो कहीं ना कहीं आप मतलब कहने का ये है कि समाज की जो चीजें हैं उनसे जोड़ने के लिए आप इस तरह का काम, जहाँ वो रह गए उनके बारे में हो जाने, बस उनके बारे में हो जाने, ये बहुत अच्छी सोच है। तो आपने अभी सुना आंचल को कि जो जहाँ रह रहा है उसकी आप उसको कम से कम जानकारी वहाँ की होनी चाहिए ताकि वो उन चीज़ों का लाभ ले सकें। आंचल जी बताइए कि आपके सामने जब आपने सोचा, आपने तैयारी करनी स्टार्ट की, तो आपके तैयारी करने के बाद में आपके साथ क्या किन चुनौतियों का आपने कहीं ना कहीं सामना किया है, कुछ भी अगर ऐसा है आपकी लाइफ में हुआ तो आप बताइए। कोई भी एग्जाम होता है छोटा या बड़ा, तो उसमें चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, मेरा बैकग्राउंड साइंस में रहा, तो मुझे शुरू करना था काफ़ी बेसिक्स से, तो NCERT से जब मैंने शुरू किया, फिर ढूंढना कि फिर ये सॉर्ट आउट करना कि हमें कोचिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कोचिंग की भी बड़ी दिक्कत रहती है। तो एक और चुनौती आती है कि कोचिंग्स की फीस बहुत हाई होती है, तो वहाँ पे भी रहता है, तो मेरा फॉर्चुनेटली वो नहीं था। मैं इसमें कहूँगी कि मैं बहुत लकी थी, लेकिन काफ़ी बच्चे हैं जिनको ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की दिक्कत आती है, तो उनके लिए फिर ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, कुछ फ्री क्लासेस भी होती हैं, कुछ कुछ कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं, तो इनको प्रमोट करें। तो ये चैलेंजेस होते हैं रिसोर्सेज के, फाइनेंस के, और कोचिंग अवेलेबिलिटी आपके एरिया में है कि नहीं, क्योंकि बाहर रह के भी बहुत बड़ा एक कहते हैं कि खर्चा बहुत होता है बाहर रह के, तो हॉस्टल्स हैं कि नहीं वहाँ पे प्रॉपर। तो आपने क्या कोई आपने बात करी है क्या, मतलब आपने कोई कोचिंग वगैरह दी है कुछ ऐसा? हाँ जी, मैंने कोचिंग दी है। तो यदि आपने अभी जैसे फाइनेंशियल लोगों की आपने बात बताई, तो अगर कोई फाइनेंशियल दौर से गुजर रहा है और वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है, इस एग्जाम को करेक्ट करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, आपके तरफ से आप उसको क्या सलाह देना चाहिए? अगर किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है, तो हमारी एज अ कम्युनिटी हमारी एक क्या कहते हैं जिम्मेदारी है कि वहाँ पे उसको फाइनेंस कम्युनिटी इकट्ठा हो गया है, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करके स्पेशल स्कीम्स, मेरा फोकस भी रहेगा कि लड़कियों के लिए स्पेशल स्कीम्स हों ऐसी स्कॉलरशिप वाली, और कम्युनिटी उनको सपोर्ट करे एकदम, कोई कंस्ट्रेंट उनको पैसा तो कंस्ट्रेंट होना ही नहीं चाहिए पढ़ाई के लिए, तो ये हमारी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही थी, जो लड़कियां हैं खासकर आप उनके लिए बहुत बड़ी पहल एक लेकर के आएंगी और उनको कहीं ना कहीं मजबूत बनाने के कार्य आप करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि क्षेत्र में क्या होता है कि एक डीएम में बहुत बड़ी पावर होती है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो जहाँ पर लड़कियों को एक फाइनेंशियल समस्या से गुजरना होता है, दूसरा क्या होता है सामाजिक समस्या होता है, सामाजिक कुरूतियाँ जिसे हम बोलते हैं उनसे गुजरना होता है, तो जो सामाजिक कुरूतियाँ है फाइनेंशियल समस्या तो एक बार को हल हो सकती है, लेकिन सामाजिक कुरूतियों को लेकर के उनको दूर करने को लेकर के आपकी क्या पहल रहेगी, क्या एक योजना आपकी रहेगी? तो ये सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगी सभी पेरेंट्स से, उनको समझना होगा कि जब तक आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, उनसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि वो सक्सेस लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं आप उनको बच्चे को मौका दिलाने का कार्य करोगी, यानी कि कहीं ना कहीं एक एहसास पेरेंट्स को अभिभावकों को कराओगे कि आप अपने बच्चों को आगे लाओ तभी वो कुछ करेंगे, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ प्लान रहेगा, कहीं ना कहीं लीडर
जो लोकल लीडर्स होते हैं वो एटलीस्ट ये काम करें, और अगर मैं हूँ, अगर मैं कुछ एक को भी प्रेरित कर पाऊँ, मेरा एग्जांपल देख के भी कुछ लोगों की सोच अगर बदल सकती है तो वो बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकता है। मौका देने पे सक्सेस जरूर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आप इसके जो आपने एग्जाम दिया सेल एग्जाम यूपीएससी, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए, ताकि जो ये चैनल के माध्यम से देखेंगे और अखबार के माध्यम से देखेंगे तो वो समझे कि हाँ कि इन्होंने किस तरीके के एग्जाम चुनते रही होंगे और ये एग्जाम है क्या आपके आखिर एग्जाम। थोड़ा अगर आपको शॉर्टकट में समझाना हो तो आप किस तरह से इसके बारे में बताएंगे। यूपीएससी का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। ओके। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। ओके। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। मेंस में काफी बड़ा प्रोसीजर होता है, तो उसमें 8 एग्जाम्स होते हैं, उसमें ऑप्शनल आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। जी, 2 एग्जाम में ऑप्शनल होता है। हाँ जी, तो लाइक वाइज प्रिपरेशन होती है। तो नहीं, ये तो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया अच्छे से, ये तो सबको आजकल ऑनलाइन पे मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे आपको देखेंगे, जो युवा युवतियाँ आपको देखेंगे, जो इस लाइन को ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको करेक्ट करना है, उनको करेक्ट करने के लिए किस तरीके से वो अपनी जो है इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने इस खाना से किया या जो अन्य आपके साथ में साथी रहे उन्होंने हासिल किया, थोड़ा सा ये थोड़ा सा जानना चाहिए। तो एक स्ट्रैटेजी और एक प्लान के हिसाब से हमें चलना होता है, तो हम इन स्टेजेस को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। तो ये प्रिपरेशन एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है, कि ऐसा नहीं है कि हम प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस के लिए नहीं करेंगे, तो ये सब साथ साथ चलता है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना और अपने नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो एक रिविजन आपका दबी हो जाता है, और फिर जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बना लेना, ये मतलब मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, और उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना मतलब उसमें फिर हेल्पफुल होता है। तो आज जब आपने इसमें एक एनसीईआरटी की बुक हमने सुना है, एनसीईआरटी की बुक इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, जो आपने क्योंकि पढ़ा होगा उस चीज़ को, तो आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसको। तो जब मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी तो मैं शुरू में तो पहली बार तो हर चीज़ पढ़नी होती है उसमें से, फिर जब मैंने सेकेंड रीडिंग करती थी तो मैं उसको अंडरलाइन करती थी जो इम्पोर्टेंट लाइन्स थी, और जब मैं तीसरी बार उनको पढ़ती थी तो मैं जो चीज़ें मुझे लगता है कि फैक्ट है, अच्छा है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो मैं उनको नोट डाउन कर लेती थी एक सेपरेट नोटबुक में। तो जब आपका 3 रिवीजन हो जाता है और जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपको सिर्फ वो शॉर्ट नोट पढ़ने हैं जो आपने नोट किए थे, क्योंकि वो जिनका मुझे डाउट लगता था कि मैं भूल जाऊँगी, तो वो ईजी हो जाता है मतलब। चलिए, आचल अभी तक आपसे जितने भी सवाल हैं किए बहुत बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, और आशा करेंगे जो लोग इस चैनल के माध्यम से आपका ये इंटरव्यू देखेंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक चलते चलते मैं छोटा सा एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जहाँ फिर एक वही वाली सवाल है, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में आपकी ज्वाइनिंग होती है, पोस्टिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी आपने शिक्षा के बारे में बताया है ना, आप वो 3 पॉइंट मुझे हम जनता आपसे जानना चाहती है, वो 3 पॉइंट जिन पर आप इम्पोर्टेंट काम करेंगे दिन और पुलिस जो भी आपके अधिकार में होगा उसके अनुसार 3 पॉइंट जो जिन पर आप काम करना चाहते हैं, जिससे मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस क्षेत्र का सुधार होगा। सबसे बेसिक फिर से मैं रिपीट करूँगी, एजुकेशन सिस्टम में लाइफ स्किल्स लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पर्यावरण, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो क्लाइमेट चेंज होना ज़रूरी है। और तीसरा, लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो जो लीडर्स हैं वहाँ के लोकल, तो मैं उनका साथ हमेशा चाहूँगी कि वो कम्युनिटी में ऐसे ऐसे बदलाव लाएं कि सशक्तिकरण एक होलिस्टिक हो, ऐसा नहीं कि बच्चों का कर दिया तो बड़ों का रह गया, विमेन का कर दिया तो दलित्स का रह गया, तो ऐसे नहीं, हर किसी को साथ लेके काम होना चाहिए। यानी कि आप एक कम्युनिटी स्तर पर काम करेंगे, सबको साथ लेकर के आगे चलेंगे ताकि क्षेत्र का सुधार हो सके। चलिए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करूँगा कि हमारी जो जनता है, जो हमारे फॉलोअर है, वो भी आपको इस चैनल को देखेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।